बांग्लादेश में हिंदुओं पर साधा जा रहा निशाना, लूटी गई दुकानें, घर मंदिर आग के हवाले, सांस्कृतिक केंद्रों पर उपद्रवियों का हमला, किसी को नहीं छोड़ रहे कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर आफत टूट पड़ी है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया है, दरिंदगी की सभी हदें पार हो गई हैं। आखिर हिंदुओं के साथ ये व्यवहार बांग्लादेश में क्यों किया जा रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रही। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है और ये सब हो रहा है कट्टरपंथियों द्वारा। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आफत टूट पड़ी है हिंदुओं पर और अब हिंदू डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा था कि अब हंगामा कम होगा, लेकिन हंगामा बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ हिंदुओं को पीटा जा रहा है बल्कि उनके मंदिरों को, उनके भगवान की मूर्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में इस वक्त कैसे हैं बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में तख्ता पलट होने से पहले जो विवाद शुरू हुआ वो अब हिंसक होता जा रहा है। शुरुआती दौर में विरोध की आवाज शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर उठी, लेकिन इस्तीफे के बाद अब ये हालात और भी ज्यादा भयंकर होते जा रहे हैं। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं कि बांग्लादेश में उत्पात हो रहा है। कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदुओं और उनकी दुकानों के साथ साथ घरों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला हो रहा है। जिस इस्कॉन मंदिर में सभी धर्म के लोगों को पनाह दी जाती है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उसे भी इन कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। जिसके बाद बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 27 जिलों में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। इन हिंदुओं के दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की कीमती सामान भी लूट लिए गए, कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। इस वक्त कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो दिल दहला देंगे। कट्टरपंथियों द्वारा प्रदर्शन के नाम पर जो बर्बरता की जा रही है वो अमानवीय है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को घरों से बाहर निकाल कर पीटा जा रहा है। यहाँ पर हिंदू अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस देखे जा रहे हैं वो इतने डरावने हैं कि उसे देख आंखों में आंसू आ जाए। कुछ तस्वीरों ने विचलित कर रखा है। सरकार के प्रति ये प्रदर्शन इतना भयावह रूप ले लेगा ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। स्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के महत्वपूर्ण मंदिर में आग लगाए जाने और भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमा तोड़ने की भी जानकारी मिली। 3 श्रद्धालुओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि हसीना सरकार के गिरने और कट्टरपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एंट्री के साथ ही बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर से संकट में पड़ गया है। इसके अलावा हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के नेता काजोल देव ने कहा कि सोमवार को 4 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया था। उपद्रवियों ने ढाका में इंडियन कल्चर सेंटर को भी निशाना बनाया। आंदोलनकारियों ने ढाका में कई मकानों और सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी। बंगबंधु भवन को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के ही हवाले कर दिया। बर्बरता के कई वीडियो भी सामने आए। हिंदुओं के साथ की जा रही हिंसा से सबके मन में सवाल है। मंदिरों को तबाह किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया है। इसका ना तो आंकड़ा आया है और ना ही कोई रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इसकी जांच होने वाली ही नहीं है। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बांग्लादेश में फिलहाल हिंदुओं पर आफत टूट पड़ी है। इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया है, दरिंदगी की हदें पार की जा रही है, हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे भारत सरकार से कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करनी चाहिए या नहीं, या फिर माहौल जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ातम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।